हमारे राम आ गए। दोस्तों, क्या हुआ जब श्री राम जी की मूर्ति अपने आप हिलने लगी, मानो कि उसके अंदर प्राण आ गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के ठीक अगले ही दिन राम जी के दर्शन करने गए। श्रद्धालुओं ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसको देख सबके होश उड़ गए, और इस चीज को देख दुनिया भर के लोग हैरान हैं। श्रद्धालु ने अपनी आंखों से देखा कि मूर्ति अपने आप हिल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद प्रभु राम उसके अंदर साक्षात विराजमान है। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में हड़कंप तब मच गया जब इसके बाद अचानक से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर प्रकट हो गए। साक्षात भरत जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए रवाना हुए थे, तब भारत ने उनके चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर शासन चलाया था, और जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पुनः अयोध्या लौटे थे, तब इसी चरण पादुका को धारण करके कई हजार सालों तक अयोध्या पर राज किया। और अब जब एक बार पुनः कलयुग में श्री राम अयोध्या आने वाले थे, राम राज्य लाने वाले थे, तो उनके भर्ता भारत आखिर कैसे पीछे रह सकते थे? आखिर अयोध्या में कैसे प्रकट हुई दिव्य चरण पादुका, सच्चाई जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि राम मंदिर में ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। वैसे अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्चे भक्त ही लिखें। अयोध्या में राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा के एक बाद राम मंदिर के द्वार खुलते ही RS 5 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां एकत्र हुए। सुबह कुछ मौकों पर भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन हर बार परिसर में और उसके आसपास तैनात RS 8000 मजबूत पुलिस दल ने भीड़ को नियंत्रित किया। प्रतिष्ठा समारोह से पहले 1.5 लाख से अधिक भक्त अयोध्या पहुंच गए थे और धर्मशालाओं में रह रहे थे। कुछ लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई, उनका लक्ष्य था। रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह मंदिर के द्वार खुलते ही प्रवेश करना था। 23 जनवरी को राम मंदिर के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के खुलते ही लोगों की इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपने सर पर दिव्य चरण पादुकाएं उठा रखी थी। वह भीड़ में निरंतर मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। कई लोगों ने उसे देखा था, तब उसका कहना था कि वह दिव्य चरण पादुकाएं श्री राम को भेंट करने आया है, क्योंकि यह उनकी ही चरण पादुकाएं हैं। कार्तिक नाम के एक भक्त का कहना था कि वह शख्स जिसने चरण पादुकाएं अपने सर पर उठाई हुई थी, वह हमारे साथ कई घंटे तक दर्शन के लिए इंतजार में खड़े रहे। उसे दिन तकरीबन 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक वह शख्स उसे दिव्य चरण पादुकाओं को अपने सर पर धारण किए थे। उनका एक ही कहना था कि वे यह चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के लिए लाए हैं और उन्हें सौंपकर ही अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। जब तकरीबन 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद हमें रामलाल के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसे समय भी वह मेरे साथ थे। उन्होंने वह चरण पादुकाएं हैं प्रभु श्री राम के गर्भ गृह के सामने रख दी। जब मैं उनसे उनका नाम पूछना चाहा, तब उन्होंने कहा कि मैं यहां से 14 किलोमीटर दूर भारत कुंड से आया हूं। अचानक कहीं अंतर ध्यान हो गए। ये चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर कार्तिक के भी होश उड़ गए थे। उन्होंने रामलीला के दर्शन किए और तुरंत ही भरत कुंड के लिए रवाना हुए, जो कि वहां से 14 किलोमीटर दूर स्थित था। आगे वीडियो में हम बताएंगे वह दुर्लभ इंसान आखिर कौन थे और भारत कुंड पर पुनः कैसे कार्तिक की उनके साथ मुलाकात हुई। लेकिन उससे पहले हम भारत कुंड के अस्तित्व को अच्छी तरह से जान लेते हैं। पवित्र नगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ राजा राम के अनुज भारत की तपस्थली नंदीग्राम के भारत कुंड की भी चर्चा तेज है। त्रेता युग में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, तो इसी भरत कुंड से पवित्र तीर्थ का जाल डाला गया था, और इसी स्थान पर तप करते हुए भारत ने प्रभु श्री राम का इंतजार किया था। भारत ने 14 साल अपने भाई राम की प्रतीक्षा ने तपस्या की थी। माना जाता है भारत ने यह सोचकर कि जब उनके राम वनवास में है और जमीन पर चलेंगे और वहीं सोएंगे, तो भारत कैसे अपने बड़े भाई के जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने यहां एक गुफा बनाई जो जमीन से लगभग 8 सीढ़ी नीचे है। यही उन्होंने 14 साल तक किया।
जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले तो भारत उनको मनाने गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे। लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भारत के अनुरोध पर अपनी चरण पादुका उनको सौंप दी। नंदीग्राम में भारत श्री राम की खड़ाऊ को प्रतीक के तौर लेकर अयोध्या का राजपाट चलने लगे। 14 वर्ष वनवास खत्म कर जब राम अयोध्या वापस लौटे तो यहीं पर भारत से मिले, तो भारत ने उन्हें उन चरण पादुका लौटा दी। अब जब पुनः प्रभु श्री राम अयोध्या लौट चुके हैं, हो सकता है, पर पहुंचे तो भारत कुंड प्रभु राम के आने की खुशी में पूरी तरह से सजा हुआ था। तभी कार्तिक जी को रहस्यमय तरीके से वही व्यक्ति भारत कुंड में स्नान करता हुआ दिखाई दिया जो चरण पादुका लिए अयोध्या राम मंदिर में मौजूद था। इसके बाद कार्तिक ने उनसे पूछा कि आप अयोध्या में रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गए थे और आप यहां पर क्या कर रहे हैं। तो उसे दिव्या व्यक्ति ने कहा कि हमारे पूर्वज कई सालों से इसी भरत कुंड के आसपास ही निवास करते हैं और प्रभु श्री राम के भाई भारत को अपना इष्ट मानते हैं। एक दिन रात्रि के समय स्वयं भारत हमारे सपने में आए और उन्होंने हमसे कहा कि भारत कुंड के गुफा के अंदर एक दिव्य चरण पादुका रखी हुई है, उसे ले जाकर अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के अंदर रखना होगा, वहां प्रभु श्री राम अपना राज सिंहासन संभालेंगे। जब हमारी आंखें खुली तो स्वप्न अनुसार अपने राजा का आदेश मानते हुए उसे चरण पादुका को अपने सर पर रखकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए और जब राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया तब हमने वह दिव्य चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम को समर्पित कर दी। अयोध्या में दिन प्रतिदिन ऐसे कई दिव्य चमत्कार लगातार हो रहे हैं। हाल ही में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके अगले ही दिन लाखों लोग अपने आराध्य के दर्शन को उमड़ी पद्धति। इसी दौरान एक बंदर भी गर्भगृह में प्रवेश कर गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों का कहना है, यह हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलाला के दर्शन करने आए हों। यह घटना 23 जनवरी को शाम के करीब 5:50 की है। उसे समय तक करीब 3 लाख भक्त रामलाला का दर्शन कर चुके थे। करीब 2 लाख भक्त बाहर कतार में थे। पहले दिन 5 लाख से अधिक भक्तों ने राम मंदिर में दर्शन किया। ट्रस्ट की ओर से किए गए पोस्ट में बताया गया है, एक बंदर दक्षिणी द्वार से अच्छा मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखा, वह बंदर की ओर, यह सोचकर भी मूर्ति को जमीन पर ना गिरा दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचा पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। वैसे अयोध्या में वानर की इस तरह उपस्थिति की यह कोई पहली घटना नहीं है। राम जन्म भूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान कई प्रमुख मुद्दों पर इसी तरह वानर की उपस्थिति देखी गई है। इसी बीच लीला की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया जिसे उन्होंने खुद मूर्ति बनाते वक्त महसूस किया। राम मंदिर प्रतिमा निर्माण करने वाले कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ऐसी बात कही है जिस पर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई गई है वह उन्होंने नहीं बनाई। दरअसल वह बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैं भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवी चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि मेरे पूर्वजों की 300 सालों की तपस्या यह परिणाम है। मुझे शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए धरती पर भेजा था। मैं इस जन्म में भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति बना। अरुण योगीराज ने एक बड़ा रोचक चमत्कार भी सुनाया। उन्होंने कहा कि हम जब मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो हर दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच बंदर वहां पर आते थे।
वह आते, मूर्ति का काम देखते और चले जाते। कर्मचारियों में इस प्रकार से बंदरों के आने से हम लोगों को परेशानी होने लगी। हमारा ध्यान भटक जाता था। हमने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समक्ष इस बात को रखा। उन्होंने कर्मशाला में घेर लगवा दिया, वहां दरवाजे लगवा दिए गए। उसे दिन शाम को जब बंदर आए और उन्होंने पूरा इलाका बंद पाया तो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बंदर को वहां पाया। अरुण योगीराज ने कहा कि जब हमने दरवाजा खोला तो वह बंदर आए, मूर्ति का निर्माण देखा और चले गए। फिर हमने दरवाजा बंद नहीं किया क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह फिर से राम जी के दर्शन करने आए। वैसे क्या आप भी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जो पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।